हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर मशीन्स। तो मशीन्स तो बच्चों आपके लिए जाना पहचाना एक शब्द है, ये तो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, बट एग्जैक्टली मशीन होता क्या है वो बच्चों आज देखेंगे। तो देखिए मशीन्स क्या होता है। एनी टूल और डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क सिंपलर एंड ईजियर इज कॉल्ड ए मशीन। ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई डिवाइस जो हमारा काम बहुत आसानी से कर दे और बहुत सिंपल तरीके से कर दे, जो हमारा काम बहुत ही सिंपल तरीके से कर दे और आसान बना दे, उसी को हम बोलते हैं मशीन बच्चों। और मशीन की अगर बात करें तो जो हमारा नया जमाना है, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन। जो ये नया जमाना है, ये जमाना किसका है बच्चों? मशीन का जमाना है। कैसे? अगर आपको अपने कपड़े भी धोने हैं तो आप किससे धोते हैं? मशीन से धोते हैं। अगर आपको अपनी कोई चीज़ ठंडी करनी होती है तो आप किससे करते हैं? रेफ्रिजरेटर से करते हैं, मशीन से करते हैं। अगर आपको हवा भी खानी है तो भी आप एक मशीन की मदद लेते हैं। तो बच्चों जिस वजह से आप मेरे को देख पा रहे हैं और मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब चीज़, वो भी क्या है? एक मशीन है बच्चों। तो मशीन क्या है बच्चों? जो हमारा काम बहुत आसान कर दे। क्या बात है, मतलब क्या हम कह सकते हैं? इट मेक्स आवर वर्क सिंपलर एंड रिड्यूस आवर वर्क एंड सेव्स आवर टाइम। और हमारा टाइम बहुत बचाता है, जो चीज़ हमारी, जो टूल हमारा टाइम बहुत बचाए। अब देखिए आप हाथों से सपोज करिए, आप एक फैक्ट्री सपोज करिए बच्चों, जैसे कि एक मैन है वो अपनी फैक्ट्री में काम करता है, बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करता है बच्चों, और वो पूरे दिन में 500 बिस्कुट गिन लेता है। लेकिन वहीं पे एक मशीन आ जाती है जो कि 200 बिस्कुट एक घंटे के अंदर गिन देती है। तो बच्चों वो जो मशीन थी उसने रिड्यूस करा उस आदमी का वर्क, उस मैन का वर्क, और उसका सेव करा टाइम। ठीक है, तो मशीन रिड्यूस द वर्क एंड सेव द टाइम। बट बच्चों यहाँ पे एक अच्छी बात तो है कि भाई उस मशीन ने वो काम आसानी से कर दिया और कम समय में कर दिया। लेकिन एक इसकी डिसएडवांटेज है बच्चों यहाँ पे, क्या? कि उस आदमी का काम जो था अब वो उससे हट गया, क्योंकि वो जिस काम से बेच कमा रहा था, अपनी कमाई कमा रहा था, अब वो उसके पास काम नहीं है क्योंकि वो काम मशीन करी। तो मशीन ऐसा भी करती है कि हमारा जो काम है हमसे छीन भी लेती है, और कभी कभी हमारी जो इनकम्स हैं उस पर भी वो प्रभाव डालती है। तो मशीन्स के बच्चों एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो बच्चों हम पढ़ेंगे। लेकिन आज पढ़ते हैं बच्चों कि मशीन जो है, हमारे जो नया जमाना है वो मशीन का ही जमाना है। आजकल सारे ज़्यादातर काम मशीन से होते हैं। अगर आपको यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, बल्कि 1 किलोमीटर भी दूर जाना है, तो आप किसका सहारा लेते हैं? मशीन का, यानी कि मोटर बाइक का। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स। दो तरह की मशीन होती है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ मशीन होती है, जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं और एक सिंपल मशीन्स होती है। बच्चों आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉम्प्लेक्स मशीन्स यानी बहुत बड़ी मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन जिसके अंदर कई कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो होती है बच्चों कॉम्प्लेक्स मशीन्स। और सिंपल मशीन जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर, और वो छोटे छोटी सी मशीन्स होती हैं जो कि 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाती हो, जो ईजियर काम करती हो बच्चों, है ना। तो दो टाइप्स की मशीन्स होती हैं। तो आपको इन मशीन्स के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा डिटेल वाइज, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ये समझना है कि मशीन की डेफिनेशन लिखनी है आपको, और जितनी मैंने लिखा है टू टाइप्स ऑफ मशीन ये लिखना है आपको। और आप घर पे जितनी 10 टाइप्स ऑफ मशीन्स, कम से कम 10 टाइप्स ऑफ मशीन जो भी आप यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, वो आपको लिख के लानी है। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको लिख के लाना है। क्वेश्चन लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ 10 machines that you use in your daily life. आपको राइट करनी है 10 machines के नाम। आपको क्या राइट करने हैं बच्चों? लिखने हैं 10 machines के नाम, लिख के लेके आने हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो बच्चों। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन्स और सिंपल मशीन्स क्या होती हैं डिटेल वाइज। ओके बच्चों, थैंक यू।